रसीले आमों का फेस्टिवल, फलों के बादशाह का हर कोई दीवाना निकला। इस्लामाबाद में जायकेदार आमों की बहार आ गई। मैंगो फेस्टिवल में मौजूद मजेदार आम देखकर शहरियों के मुंह में पानी आने लगा। फलों के बादशाह की ऐसी धूम मची कि हर किसी का दिल ललचाने लगा। बच्चे बड़े सभी मैंगो फेस्टिवल में भरपूर दिलचस्पी दिखाते नजर आए। इस्लामाबाद में होने वाले मैंगो फेस्टिवल में हर किसी ने खुश रंग और मीठे रसीले आमों का खूब मजा लिया। मैंगो के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है और इसको ज्यादा से ज्यादा मार्केट की जरूरत थी, और इस एक्सपो के अंदर आप लोगों की एक्साइटमेंट भी देखें कि आपके लोकल लोग भी इन प्रोडक्ट्स के हवाले से, इतनी अकसाम के हवाले से आगाह नहीं थे कि हमारे पास इतनी अकसाम होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे बहुत फायदा होगा। वजीर ज़राअत पंजाब नोमान लंगड़ियाल ने कहा कि मैंगो फेस्टिवल का मकसद पाकिस्तानी आम को दुनिया भर में मुतारिफ कराना है, ताकि फलों के बादशाह की बैनुल अक़वामी सतह पर मांग में इजाफा हो सके। पाकिस्तान में खूबसूरत और बेहतरीन आम पाए जाते हैं। ये वो हमारा खजाना था जिसको आज तक किसी हुकूमत ने इतनी निशानदेही नहीं की। मकसद ये है कि हम दुनिया से लोगों को बुला के अपने आम को मुतारिफ करवाएं और इसकी एक्सपोर्ट करें। सिंधड़ी, नीलम, चौंसा, अनवर रटोल, दोसहरी, बेगनफली, इन्फांसो, गुलाब खासा, जाफरान, लंगड़ा, सरोली और देसी आम फेस्टिवल में नुमाइश के तौर पर पेश किए गए।